नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अब बिहार के युवाओं के लिए सरकार ने एक बड़ा तोहफा ला दिया है। आपको बता दें कि बिहार के वो युवा जो पुलिस महकमे में सेवा देने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए बिहार सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी रखती है। आपको बता दें कि अभी भी पुलिस विभाग में कई पद खाली है, जिसके लिए विधानसभा चुनाव से पहले बम्पर बहाली निकाली जा सकती है। देखिए, आपको एक बात बताते चले कि सीएम नीतीश ने 15 अगस्त के भाषण में इसी गांधी मैदान से ये बात कहा था कि हम जल्द ही जो है अब इतने युवाओं को नौकरी दे चुके हैं और इतने युवाओं को देना बाकी है, तो विधानसभा चुनाव से पहले हम इतने युवाओं को नौकरी दे देंगे। और अब इसी क्रम में सीएम नीतीश ने देखिए बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। ये खबर आपको विस्तार से बताते हैं, इस वीडियो में आप बने रहिए। देखिए, आपको बताते हैं कि नीतीश सरकार जल्द ही इन पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू कर युवाओं को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा गिफ्ट दे सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार यानी कि परसों राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बारे में हमने आपको बताया था। इस बैठक के दौरान सीएम ने संबंधित अधिकारियों को बिहार पुलिस महकमे में खाली पड़े पदों पर जल्द से जल्द बहाली करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि अभी भी पुलिसकर्मियों के लिए 2,29,139 पद स्वीकृत हैं। ऐसे में बिहार पुलिस अब पुलिस महकमे के लिए 1,23,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। बता दें कि 1,23,000 पदों पर होने वाली बहाली में 136 पदों पर डीएसपी बहाली की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में डीएसपी पद के लिए विज्ञापन भी निकाल दिया है। इतनी बड़ी संख्या में बहाली होने से न केवल रोजी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि युवाओं को एक और मौका भी मिलेगा। बता दें कि कानून की विधि व्यवस्था में भी इससे सुधार आएगा। वहीं बिहार में युवाओं को नौकरी के अक्सर अवसर मिलेंगे, ताकि उन्हें मजबूरी में जॉब के दूसरे राज्य ना भटकना पड़े। बता दें कि बिहार सरकार इन दिनों राज्य में लगातार अलग अलग विभागों में बम्पर बहाली कर रही, ताकि युवाओं को इसका फायदा मिल सके। अब देखिए, अब क्या आखिर पुलिस विभाग के आंकड़े क्या कहते हैं। जानकारी के अनुसार बिहार में फिलहाल 70 से 75 कांस्टेबल सेवा दे रहे हैं, जबकि लगभग 30,000 के एएसआई और पुलिस इंस्पेक्टर तैनात है। वहीं करीब 1,000 डीएसपी भी कानून व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक संचालन और दूसरी जगह पर योगदान दे रहे हैं। सरकार ने पहले की तरह पुलिस बहाली में 35% आरक्षण का भी फैसला लिया है। बिहार देश में पहला ऐसा राज्य जहां पुलिस महकमे में महिला पुलिसकर्मी सबसे ज़्यादा काम कर रही है। मौजूदा समय में बिहार में 30,000 महिलाएं पुलिस डिपार्टमेंट में अपना योगदान दे रही है, और अब ऐसे में जो है पुलिस की बम्पर बहाली जो है वो निकाली जा सकती है। पुलिस कर्मियों की देखिए जो बम्पर बहाली निकाली जाएगी, तो युवाओं तक एक संदेश जाएगा कि हाँ, सरकार भी अब हमारे बारे में सोच रही है, और विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश अपनी कुर्सी वापस ले सकते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जिस तरीके का वादा कर रहे हैं कि छठ में इस बार जो भी घर आएगा उनको वापस जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उनको बिहार में रोजगार देंगे, पलायन दूर करेंगे, तो सीएम नीतीश ने भी अपने तरफ से पूरा कमान थाम लिया है और जितना भी हो सके वो युवाओं को जो है देखिए अब नौकरी दे रहे। तेजस्वी भी बोलते रहते कि 17 महीने के कार्यकाल में अपने इतनी नौकरियां दी, तो सीएम नीतीश अब विपक्ष और प्रशांत किशोर पर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और तमाम जो है वो बहाली निकाल रहे हैं। इस पर आगे की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।